हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलाम की जय निवासी। देखिए, कल रात को बहुत अच्छा सबको शक्तियों ने दर्शन दिया। मुझ पे वॉच भी रखा गया था, मुझ पे ये वॉच रखा गया था कि मैं पूजा में बैठूंगी या करूँगी, लेकिन इनको सबको पता नहीं कि मैं वही पूजा पूरी करने महाकाल गई थी। जो पूजा मैंने कल सबको बोला था शक्तियों का दर्शन मिलेगा, बस उसी कारण से महाकाल गई थी, क्योंकि मुझे यहाँ पता है कि यहाँ मुझ पर वॉच रखा जाएगा, ये करा जाएगा। यहाँ तक कि मैंने देखा है कि ऐसे केशव के पापा कभी रात को नहीं आएंगे, लेकिन कल रात को उन्होंने मुझसे झगड़ा करने के बाद भी 12:30 बजे घर पे आ गए थे। मैं समझ गई थी उनको लगा कुछ पूजा वूजा चालू होगा। मैं इतनी बड़ी पागल औरत दिखती हूँ क्या? मेरा दिमाग क्या घुटने में है कि मैं ऐसी कोई गलती घर में करूँगी? बिल्कुल नहीं। मुझे जो काम करना है मैं बाहर करके आई हूँ, मुझे इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरी शक्तियों ने सबको कैसे एहसास दिलाया, आप लोग मेरा नंबर ऐड कीजिए और मेरे स्टेटस पे जाके देखिए, आपको पूरी पूरी पता चलेगी कि सबको कैसे दर्शन मिले। अब जितने लोगों ने दर्शन किए उन सबको 7 दिन के अंदर शक्तियाँ उनकी विश पूरी करने वाली हैं। देखिए, मेरे पास एक मैं किसी का नाम नहीं लूँगी, मेरे पास एक चैलेंजिंग काम आया। खुद डॉक्टर हैं, उनका बेटा कहते ना बहुत कम टाइम में पैदा हो गया था, और अब तक वो मतलब ठीक से बैठ भी नहीं पाया है। मैं उसे भी ठीक कर सकती हूँ, मैंने उन्हें भी ये बात कही कि मैं 1 महीने के अंदर उस बच्चे को ठीक कर सकती हूँ। बस आप एक पावरफुल शक्ति लीजिए और मुझ पर विश्वास करके देखिए, क्योंकि गंदी से गंदी बीमारी जो डॉक्टर नहीं कर पाए वो हम करके दिखा सकते हैं। मंत्रों में बहुत ताकत होती है, बात मानिए आप। जब शक्तियाँ दर्शन दे सकती है, बिन मौसम बारिश ला सकती हैं। आपको याद होगा, मैं बार बार अपनी बढ़ाई नहीं कर रही हूँ, लेकिन आपको याद होगा कि हम लोगों ने कोरोना काल जब हटाया था, उसके बाद 15 मई जब बारिश ने कोरोना हटा दिया था, फिर आया था सिलेंडर का माहौल। पिछले साल सिलेंडर का माहौल था, उस बात पे हमने 11 लाख जप किया था। मैंने पूरे यूट्यूब पे प्रॉमिस किया था कि 15 मई को बारिश आएगी, नहीं तो हर जगह पे सिलेंडर सिलेंडर सिलेंडर, मतलब लाखों की तादाद में सिलेंडर बिक रहे थे। लेकिन आप वो दिन है और आज का दिन है, पूरा साल होने आ गया, कहीं पे भी आपने कहीं गर्दी देखी, कोरोना महाकाल सुना या सिलेंडर सुना? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक और बात, अभी भी बहुत सारे लोग कोशिश कर रहे हैं कि फिर से कोरोना जैसी बात का, एक बात बताऊँ, बीती हुई रात और सपने की बात कोई नहीं मानता है, समझ रहे हो? तो ये हमारे लिए कोरोना ये सब ना बीती हुई रात और सपने की बात हो गई है, कोई नहीं मानेगा। अगर आप पब्लिक इतनी परेशान हो गई ना कि अगर अब किसी ने ये लॉकडाउन ये सब लगाने की कोशिश की ना, आप देखिएगा कि यही पब्लिक आक्रोश में आके कुछ ना कुछ गलत कर बैठेगी। फिलहाल तो अभी ऐसा कुछ होगा भी नहीं और ना लॉकडाउन लगेगा। आप देख रहे हो, जब जब लॉकडाउन लगने का टाइम आता है, याद रखिए, अगर कभी अनाउंसमेंट करेंगे कि कल लॉकडाउन लगना है, उस जगह पे बारिश हुई है तो हुई है। इस बार मैंने खुद देखा है कि कहते ना हमारी शक्तियों ने, महाकाल ने, कहते ना सर पे गंगा, जिसके सर पे गंगा विराजमान होती है उसकी तीसरी आँख खोल के और त्रिनेत्र से डम 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 डमरू बजाता है। तुमको लगता है क्या तुम जैसे कि औकात है क्या उस तक आएगा? तुम खेल खेलो, अभी एक ही बात है, तुम खेल खेलो ऑक्सीजन और इसकी, और हम खेल खेलेंगे बारिश की। हमारे भोलेनाथ तो खुद होली खेल रहे हैं, भोलेनाथ से बढ़कर है क्या? ओम नमः शिवाय हरि, ये मंत्र हम हमेशा जपते रहते हैं, और ये मंत्रों से सबकी, मैंने अपने हर मंत्र में, जब भी मैं किसी को शक्तियों का मंत्र देती हूँ, उसमें हर मंत्र में ये मंत्र ऐड रहता है, ओम नमः शिवाय हरि। विस्की वशीकरण के मंत्र में, गायब मंत्र में, वो जो अलग से एक मंत्र रहता है उसमें ये मंत्र हमेशा ऐड रहता है। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है इसकी ताकत क्या है, कैसी है, क्या कर सकती है। शक्तियाँ पूरी तरह से एक्टिवेट हो गई हैं, सबका काम हो चुका है, मेरे ग्रुप वालों का भी काम, जो ग्रुप वाले भी बात नहीं सुन रहे कर रहे विनाश काले विरुद्ध, वो मैं कुछ नहीं करूँगी, शक्तियाँ ही उनको रात बराबर करेंगी, क्योंकि अब मुझे पूरा भरोसा है कि हम जो कर सकते कोई नहीं कर सकता। कल मैंने वीडियो डाली थी कि मैं किसी के नाम पे पुलिस स्टेशन जाऊँगी, ये जाऊँगी, मेरी रात को वकील से बात हुई, मेरे वकील बोलते हैं मैम आप फालतू में इन लोगों के चक्कर में पड़ रही हैं, इन लोगों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इनका परिवार, इनका घर, ये लोग सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे, ये लोग क्या करेंगे, ये सब मायूस बन जाएंगे, हम लोगों को कुछ मालूम नहीं, कुछ नहीं। क्योंकि मेरे वकील ने फ़ोन भी किया केशव के पापा को कि भाई क्या किया है, मैडम परसों जिसको जा रही है पुलिस स्टेशन, तो बोलते मैंने क्या किया, और मेरा भी बहुत झगड़ा हुआ, वो मुझे बोलते हैं मैं मर जाऊँगा कर जाऊँगा, अरे मरने का ही तो है, मैं तो बोलती तुम मरो तो सही, तुम्हारे मरने ज़रा सा चोट लगेगा ना तो सबकी बैंड बजा दूँगी मैं। क्या होता है मालूम है, मेरी वीडियो शायद सबने ध्यान से सुनी नहीं, मैंने क्या कहा था कल कि अगर इतना सा भी 19-20 हुआ तो ये विद्या देवी पुलिस स्टेशन में जाएगी और 3 जन का नाम लेगी। आपको क्या लगता है कल मैं शांत बैठी थी क्या? कल मैंने यहाँ हमारे गोराई के MLA को तक फ़ोन लगवाया था मेरे आदमियों से, अभी मैं नाम भी बता देती हूँ आपको, विनोद जाधव, मेरे पास बकायदा मोबाइल नंबर है, और वो भी यहाँ से नहीं, बकायदा बाहर से लगवाया था फ़ोन, सामने से मुझे किसका किसका मैसेज आया मैं बताऊँगी नहीं,
उसने कहा कि वो वहाँ का पहले का MLA था, उसे सामने से बताया कि वो खुद वो एरिया को 3 साल से वो कर रहा है, वहाँ पे सब लोग उंगली कर रहे हैं। किसी ने उनको फिर हमारे आदमी लोग ने बताया कि आप क्या कर रहे हो, वहाँ पे एक आदमी है शरद मस्के करके, वो लोगों का युवा नेता पैदा कर रहा है, पब्लिक को ज़बरदस्ती भड़का रहा है कि टेंशन मत लो, ये होगा 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 वो कर रहे, तो बोलते टेंशन मत लो बनाएंगे फिर टूटेगा, क्योंकि ये लोगों की चर्बी हम निकालेंगे। एक तो ये लोगों के पास कोई पेपर नहीं, अनलीगल तरीके से वो कर रहे, और सिर्फ वो नहीं हर जगह की, यहाँ तक कि यहाँ पे क्या बोलते हैं रे रोड में, वहाँ से खबर आई कि बोला रे रोड में भी, रे रोड में बरसों से जो पक्की चौल थी वो चौल तोड़ दी गई है रे रोड में, और सबको माड़ा में जगह दी गई है। तो बोले अब झोपड़पट्टी तो कहीं नहीं रह रही, हर जगह पे आप देखो इलेक्शन के पहले इलेक्शन के बाद तोड़क कार्रवाई हो रही है। फिर वहाँ पे बात हो गई तो उन्होंने हमको ये भी किया, हम लोग ने, मैं इसलिए ये सब इस यूट्यूब पे बता रही हूँ कि जो सब लोग मुझे हल्के में ले रहे हैं ना, मैं बता रही हूँ, क्योंकि मुझे बस गुस्सा एक ही बात का है, मेरा आदमी वहाँ मर रहा है, ये आदमी जो है आदमी, ये आदमी सबको युवा नेता पैदा कर रहा है, मंत्रालय तक जाता है, इधर जाता है, लेटर वेटर लेके ये करता है, तू कर सकता है, खुद घर में बैठ के मस्त में मज़े में खाना खा रहा है और बाकी आदमियों को धूप में मरवा रहा है। मेरा देखो, मेरा कल के, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, कल मेरा केशव पापा से बहुत झगड़ा हुआ, मैंने बहुत चिल्लाया, उनको ऐसा लग रहा है कि मैं उनका मजाक उड़ाती हूँ, पता नहीं उनको किसने उनके दिमाग में ये बात डाली कि मैं पीछे से उनका मजाक उड़ाती हूँ, मैं मजाक उड़ाती हूँ, आज तक मैंने ही संभाला है, ये बात तो पूरा यूट्यूब जानता है, पूरा बोरीवली पुलिस स्टेशन जानता है, पूरा गोराई जानता है, पूरा भीमनगर जानता है कि मैंने क्या किया है, मुझे बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं है। मेरा गुस्सा इस बात का है कि एक आदमी ना खाना खा रहा है ठीक से, ना बैठ रहा है, नाम की औरत पे भाव, नाम के लिए औरत है, नाम के लिए भाई है, उसका ना भाई का नाम लेते तो मिर्ची लगती है, वो भाई सिर्फ फ़ोन करके हालचाल पूछता है, कहाँ है, कभी जाके बैठा क्या, क्योंकि इतनी धूप पड़ रही है, इतनी लू पड़ रही है, आम आदमी इंसान का बैठना मुश्किल है वहाँ पे, आम इंसान का वहाँ बैठना मुश्किल है, तो भी वो आदमी वहाँ बैठ रहा है धूप में दिन भर। आज की तारीख में अगर आप और मैं कोई भी किसी का साथ देंगे धूप में कितनी ज़्यादा देकर बैठेंगे, मैं खुद बोली केशव पापा को मैं आऊँ क्या, मैं आके बैठूँ, वो आदमी सिर्फ दिन भर निगरानी रखने के लिए 3-3, 4-4 बजे तक उल्लुओं के जैसा जाग रहा है, ड्रिंक कर रहा है, उल्लुओं के जैसा जाग रहा है, कोई आके बैठेगा नहीं, करेगा नहीं, तुम लोग सिर्फ घर में बैठ के मज़े कर रहे हो, सिर्फ फ़ोन करके पूछते क्या हो रहा है क्या हो रहा है। मैं बोलती हूँ मेरा झगड़ा सिर्फ एक ही बात का है, मेरा गुस्सा एक ही बात का है, जब मेरे केशों के पप्पा ही नहीं रहेंगे तो फिर मतलब क्या है, उस घर का क्या मतलब है, इस घर का क्या मतलब है, मेरा क्या मतलब है, बताओ। मैंने कल रात को यही झगड़ा किया कि आपको कुछ हो जाएगा तो वो तो देखो, वो औरत और तुम्हारा भाई तो ना तब तुम्हारे बीच में आए थे ना, जब आरिफ शेख ने तुमको नशा दिया था, तुमको मार रहा था, तब वो लोग बीच में नहीं आए, बचाने नहीं आए, तब भी वो आदमी डेली उससे बात कर रहा था। हाँ, तुम्हारी बीवी जो बोलती बीवी बनती, आज तो मैं, चलो मैं हूँ अभी, उसके पहले वो थी, वो जब उसको पता चला कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी में आई ना, तब वो औरत लड़ने आई, एक औरत ये सब बर्दाश्त करेगी, कभी बर्दाश्त करेगी, आप मानते हो ये बर्दाश्त करेगी कि मेरे पति की ज़िंदगी में कोई आया और वो शांति से रहेगी, फाड़ डालेगी। लेकिन वो औरत को क्या कर रहा था, क्योंकि उस औरत को प्यार था ही नहीं ना, प्यार होता तो आज भी साथ में होती, आदमी भूखा प्यासा मर रहा है, रह रहा है, एक बार भी सोचा है, वो एरिया में अकेले रहते हैं, खुली जगह है, भगवान ना करे, मेरे को मालूम है वो जिद्दी है, वो नहीं हटेगा, हमको हटाना भी नहीं चाहते। मैंने कल ही बोला केशव के पापा से, मुझे उस जगह से कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो तुमको युवा नेता बना रहा है, जो तुम्हारे पीछे ऐसा उंगली कर रहा है, आदमियों को भड़का रहा है, वो आदमी की बैंड तो हम बजाएंगे, उसको है हिम्मत तो मेरे घर के बाहर आके झगड़ा करके दिखाया, मैं उसकी गांड मारती हूँ बरोबर, क्यों, क्योंकि मेरे को एक ही मतलब है, तुझे जो करने का कर, हमारे आदमी को क्यों यूज़ कर रहा है, वो बात है, बस बता, ये बताओ, रहो ना वहाँ, फिर से बना के रहो, 10 बार बना के रहो, मुझे मतलब नहीं, लेकिन तुम्हारी एक जिद के कारण, तुमने जो बढ़ावा दिया उस बढ़ावे के कारण मेरा आदमी वहाँ धूप में मर रहा है। एक बात बताओ, मेरे आदमी को कुछ हो जाएगा तो मैं क्या करूँगी, ये बताओ, क्या करेंगे वो, घर लेके क्या करेंगे वो, ज़मीन लेके, यहाँ तो सब आते हैं, मुँह मियाँ मिट्ठू मियाँ, एक है जिसकी वजह से इंसान, एक भाई की वजह से झगड़ा करके आदमी ईगो में वहाँ चला गया, क्योंकि वो घर आज से तो नहीं है, 5-6 साल से, 5-6 साल से क्यों नहीं गए, 5-6 साल से भी तो लड्डू की मम्मी है, तब वो आदमी वहाँ रहने क्यों नहीं गया, अभी क्यों रहने गया 2 साल पहले, ये तो दिमाग लगाओ कि किसी के वजह से गया। उसके बाद वहाँ पे है एक मैडम है जिनको वहाँ रहना ही नहीं है, मतलब जिनको वहाँ पे यहाँ पे रहना ही नहीं, उसको वहीं अलग रहना है, छटक्के मारने हैं, है ना, मैंने तो ये भी बोला, झूठी बोल, गाली दे के भी बोला, तुमको क्या है, तुम प्रदु मर जाओगे, उसको क्या, उसको जवानी छटकी है, वो तो और मिल जाएंगे, उसको तो दूसरी शादी करके बैठ जाएगी, क्योंकि उसको तो तब फ़र्क नहीं पड़ा था जब तुम नशे में पतरे की लाइन गिन रहे थे, उसको तो तब फ़र्क नहीं पड़ा था जब तुम मरने जा रहे थे, तुमने उसको सारी बात बताई तो उसको तब फ़र्क नहीं पड़ा था। हाँ,
उसको तो तब फर्क नहीं पड़ा था जब कोरोना महाकाल में तुम बुरी तरीके से बीमार थे, तुम पे 307 का केस हो गया था। वो आई क्या तुमको देखने, बुलाई क्या तुमको, बुलाया भी उसने घर पे तो किसी और को ही बुलाया, अभी नाम लूंगी तो गान में मिर्ची लग जाएगी, किसी और को बुला के ताड़ना चालू था। यहाँ पे भी ताड़म ताड़ी चालू है, हाँ नैन मटक के तो चालू है। मैं तो कल खुलेआम बोल रही हूँ, मेरे को गुस्सा है। छोड़ दिया गया है बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को, देखो एक दूसरे को, मरने दो आदमी को। मैं इस बात से बिल्कुल नहीं डरती हूँ, क्यों मेरा आदमी धूप में मर रहा है। वो क्या बोलते हैं, मैं मर जाऊँगा कर जाऊँगा नहीं। आदमी अगर सच में प्यार करता है ना तो वो बात घर में बुलाता है कि चलो 10 बजे तो हो गया, तालपत्री डाल दो ऊपर से, कोई नहीं जाएगा, दो चार हज़ार रुपया दो और रखो। अभी मुझे पूछा जाएगा कि ये बात तुम क्यों नहीं करती हो, मैं कर रही हूँ, मैं बोल रही हूँ, मैंने बोला है, मैं बोलूँ क्या। मेरा पूरे गोराई में इतने लोग पहचान के ना, सिर्फ एक आवाज़ करने की दे रहे, पूरे गौतम नगर में आदमी भर जाएंगे, गाड़ी लेके, एसी लेके, जनरेटर लेके, सब लेके पहुँच जाएंगे। आधे घंटे के लिए मुझे घर चाहिए, देखो आधे घंटे अभी मैं जाके बैठूँ क्या वहाँ पे? मेरा पैर रखवाने के लिए ना लोग मुझे 50,000 देते कि माँ हमारी दुकान में आके पैर रखो, हमारा बरकत हो जाए। वहाँ मैं बोल रही हूँ कि मैं आऊँ क्या गौतम नगर में बैठने, पैर रखूँ क्या पैर तुम्हारे घर में आके बैठूँ, तो वो ना बोल रहे हैं कि मैं, उनको पता है कि रिया है कि तो पीछे पीछे बहुत लोग आएंगे। मैं सिर्फ वहाँ जाके बैठूंगी ना तो पीछे से गाड़ी, एसी, सामान सबका सब जगह पे, फ्रिज व्रिज सब घर पे आ जाएगा, जनरेटर लग जाएगा, एसी लग जाएगा मेरे प्रभु के लिए। ये बात है, मेरा शॉर्टकट एक ही बात है, जिसने जो किया मुझे मतलब नहीं, मेरा मुँह मत खुलवाओ। बस मैंने कल यही बात बोला है केशव पापा को, मेरा मुँह मत खुलवाओ। जब तुम्हारे भाई को आरिफ ने मारा तब उसका ईगो हर्ट हुआ, तब वो गया पुलिस स्टेशन, अरे अरे मेरे को मारा। हाँ इतना दिन उसने भी चूड़ियाँ पहन के बैठा था, इतना दिन वो भी फ़ोन पे बात कर रहा था, इस बात की मैं सबूत हूँ। और झूठ बोलेगा ना तो गिरा के चप्पल चप्पल से मारूंगी, ज़्यादा झूठ बोला तो। मेरे पास सारा लोगों का सबूत है, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं, मेरा बस एक ही इंटेंशन है, मुझसे बात करो मत करो। लेकिन एक बात है, मेरे केशव के पापा को जरा भी 19-20 हुआ, भगवान ना करे उनके साथ कुछ भी गलत हुआ, तो पहले तो आरिफ शेख के नाम पे कंप्लेंट तो है ही, वो तो फंसेगा ही फंसेगा क्योंकि वो भी टारगेट बना ही रहा है। उसके बाद सीधा है शरद मस्के और कहते हैं ना केशव के पापा का भाई और उसकी बीवी, दोनों जन जेल में जाएंगे। मैं सीधा सीधा FIR दर्ज करूँगा और उसके बाद मेरे जो अन्नू जी है ना उनको अकेला मत समझो। अन्नू जी सिर्फ एक बार बोलने में एरिया में घुसेंगी, उन्होंने पहले ही कल रात को बात हो चुकी है, विद्या जी आप शांत बैठिए, अगर ऐसे जरा सा भी कुछ 19-20 होता है हमको बोलिए। वो लोग उधर से एरिया से नंगा करके मारते मारते पुलिस स्टेशन लेके जाएंगे। मैं कुछ नहीं, मैं शांत रहने वाली नहीं हूँ, मेरे वकील को बोल दिया है, सारा अरेंजमेंट हो चुका है, बात खत्म। ये बात है, तुमको क्या लग रहा है, हम लोग सुनील राणे तक हमारा मैसेज जा चुका है कि यह आदमी लड़कों युवा नेता बना रहा है, लोगों को भड़का रहा है। हाँ क्योंकि उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, अगर कोई आदमी मरता भी है तो कल क्या बोलेगा, मैंने थोड़ी बोला था आगे जाके बढ़ो, आगे जाके मेरे साथ काम करो, तुम लोग को गरज थी, तुमको अपना घर बचाना, तो तुम आगे बढ़े। क्योंकि आगे आगे हम लोग को साफ साफ पता चला है वो जगह नहीं बचने वाला है। अगर अभी ये लोग ज़्यादा नाटक करेंगे लाठी चार्ज होगा, एक एक आदमी पे केस होने वाला है, 400 BC का केस लगने वाला है, मालूम है आपको? ये अंदर की बात मैं बताती हूँ आपको, क्योंकि वो फ़ायदा ही नहीं है। बहुत सारी ये एक आदमी की गलती की वजह से, जिस आदमी का नाम ले रही उस आदमी की गलती की वजह से, उस आदमी ने जो इस सबको प्रोत्साहन दिया, दोनों साइड जो चल रहे हैं उस आदमी की गलती की वजह से वहाँ तक बात गई है। कहाँ तक? जो बेचारे पुराने लोगों का घर था वो भी टूट गया, वो बच सकता था, वो नहीं था लिस्ट में, इस आदमी की वजह से गया। और मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं, मुझे बस एक ही मतलब, अगर मेरे प्रभु को इतनी सी भी चोट लगी, इतना सा भी घाव लगा, क्योंकि मैं 2 साल से बहुत मगजमारी कर रही हूँ, मैं अपने बच्चे के बाप को बचा रही हूँ, 2 साल से बहुत मगजमारी कर रही हूँ, 18 महीना हो गया, मैं इतना खर्चा कर चुकी, सब कुछ कर चुका, अगर उनके साथ इतना सा भी कांड हुआ तो ये बात पक्की है कि मैं जिन लोगों का नाम ले रही हूँ उन लोगों के नाम पे, अभी तो मेरी हाजिदा ने, स्नेहा ने, सब ने पूजा चालू कर दी, वो थी माँ आप चिंता मत करो, अब तो इनकी बैंड बजाएंगे। लेकिन मैं कानून से चलती हूँ, मैं कोई भी काम बगैर कानून के नहीं करती हूँ, उसके बाद मज़ा देखो क्या होता है। मुझे हल्के में मत लो, मेरे को पता है अगर मैं एक बार दिमाग में बिठा लेती हूँ किसी को तो बिठा लेती हूँ, मज़ा देखो क्या होता है, आप देख लेना। अगर नहीं लोगों ने तुम लोगों को दौड़ा, क्योंकि मेरे यूट्यूब पे भी है ना, क्या नाम है, नाला सुपारा में एक रहते हैं 2-3 जन, नाला सुपारा में मेरे क्या अच्छे भाई आशीष भाई रहते हैं, वो उनका चार कोप में भी उनका क्या MLA से पहचान है, वो भी बोल रहे हैं माँ दीदी आपको ज़्यादा टेंशन है तो आप बोलो हम लोग आए क्या, सबको मार मार के गिराएंगे। मेरा यूट्यूब पूरा गुस्सा है, आप समझ लो आज पूरी गोराई में कम से कम 150 यूट्यूबर है मेरे, अगर मेरी एक आवाज़ पे ना सबको तोड़ डालेंगे जाके, ये बात पक्की है। मरने से बचना है ना तो सही से हो जाओ, बस ये बात वार्निंग मत समझो, एज ए धमकी दे रही विद्या देवी, जो करने का करो। जय माता दी।